एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। मैं हूं पवन और पाइथन प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज में आज हम सब देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 का पार्ट 2। हम लोग पार्ट 1 में जो भी यहां पे मार्क कर दिया गया है हमने देख लिया था कि कैपिटलाइज्ड और इज नाम के फंक्शंस में जो है वो कैसे काम होते हैं, उसके बाद लोअर, टाइटल, अपर, स्वैप केस, ये सब हमने देख लिया था। हम आज के प्रोग्राम में इससे आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले हम अब यहाँ से शुरू करेंगे, सेंटर लेते हैं। अब सेंटर क्या होता है, काउंट, लेफ्ट जस्टिफाई, आर जस्टिफाई, हम ये पहले देखेंगे, फिर एक एक करके सब कुछ देखने वाले हैं। सेंटर मतलब आप समझ रहे होंगे, सेंटर, एल जस्ट और आर जस्ट। एल जस्ट का मतलब होता है लेफ्ट जस्टिफाई और आर जस्ट का मतलब होता है राइट जस्टिफाई। आपने जस्टिफाई पढ़ा होगा, वहाँ पे आपने जो माइक्रोसॉफ्ट अगर पढ़ा हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो उसमें आपने देखा होगा कि अलाइनमेंट होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट। तो बिल्कुल यही है यहाँ पर भी कि आप किसी भी स्ट्रिंग को, किसी भी ऑब्जेक्ट को कहाँ पे आप रखना चाहते हैं वो ये जस्टिफाई करता है। हम लोग प्रोग्राम से समझते हैं। हमने इंटरेक्टिंग मोड खोला, और अपने इंटरेक्टिव मोड में हम अब यहाँ पर लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एस में हमने असाइन किया कोई स्ट्रिंग, मान लीजिए हेल्प, ठीक है, हमने ये लिख दिया हेल्प। अब हम कहते हैं इसे कि एस डॉट सेंटर, इसे कर दो, या फिर हम पहले एस को देख लेते हैं ये प्रिंट कहाँ करता है, सही है। अब हम कहते हैं कि एस को सेंटर में अलाइनमेंट कर दो, और सेंटर अलाइनमेंट करते समय दोनों तरफ स्पेस कितना होगा, कितना छूटेगा, वो भी हम लोग बता सकते हैं। तो इसके पैरेंथेसिस के अंदर मान लीजिए हमने लिख दिया 7। अब हम इसे एंटर करते हैं तो ये दोनों तरफ वैसे रख दिया। देखिए आप हेल्प में एच के पहले भी स्पेस छूटा हुआ है, जैसे हम इसे और कुछ बढ़ा सकते हैं और बढ़ाएंगे। अब देखिए थोड़ा दोनों तरफ स्पेस जा रहा है, अभी आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि हाँ स्पेस इस तरह से जा रहा है। बस इसी तरह से लेफ्ट जस्टिफाई में भी है, अगर आप लेफ्ट साइड ही सिर्फ रखना चाहते हैं, राइट साइड नहीं रख सकते हैं, तो लेफ्ट जस्टिफाई करेगा ये। ओप्स, क्या कर दिया हमने, यहाँ पर एल नहीं लिखे, लेफ्ट जस्टिफाई, तो लेफ्ट साइड जस्टिफाई किया और राइट साइड स्पेस छोड़ दिया। वही राइट स्पेस जस्टिफाई करेंगे तो राइट साइड ले जाएगा और लेफ्ट साइड छोड़ देगा, मतलब ये अलाइनमेंट कर रहा है। राइट जस्टिफाई जब किए तो राइट साइड ले गया, लेफ्ट जस्टिफाई किए तो लेफ्ट साइड ले गया, और यहाँ पर जो नंबर डालेंगे उतना ही स्पेस लगभग वो उतना ले जाता है। ये हो गया। अब हम काउंट की तरफ बढ़ लेते हैं, समझ में आई थिंक आगे हो गया, ये ज़्यादा टफ नहीं है। सेंटर, लेफ्ट जस्टिफाई और आर जस्टिफाई, ये आप पहले भी कर चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सीखते के समय में। हम काउंट कर लेते हैं। काउंट में भी क्या होगा कि जो भी चीज़ हम काउंट फंक्शन के अंदर पैरेंथेसिस में पास करेंगे वही चीज़ को वो फाइंड करेगा कि जहाँ पे ढूंढना है उस ऑब्जेक्ट में, जिस ऑब्जेक्ट में पॉइंट करेंगे हम काउंट नाम का फंक्शन। मान लीजिए हमने कि एस नाम का एक ऑब्जेक्ट था हमारा, उसमें हमने काउंट नाम का फंक्शन कॉल कर दिया, और काउंट के अंदर जो भी हम लिखेंगे, मान लीजिए हमने लिखा ई, तो ये क्या करेगा कि एस नाम के जो ऑब्जेक्ट है ना, एस नाम के ऑब्जेक्ट में हमने क्या लिखा है यहाँ पे, हेल्प लिखा है, तो अब इसमें फाइंड करेगा कि ई कितने बार है, ये नंबर में दिखाने वाला है कि ई कितने बार है, तो यहाँ पे कितने बार है, एक बार है, तो ये एक बार दिखाने वाला है, ठीक है। मान लीजिए हमने ए नाम का एक और फंक्शन बना लिया और इसके अंदर हमने असाइन कर दिया ए पी पी एल ई, एप्पल इज अ फ्रूट, हमने लिख दिया एप्पल इज अ फ्रूट।
अब हम मान लीजिए इसमें कॉल करते हैं तो क्या करना होगा, ए उसके बाद डॉट देंगे, मतलब ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उसके बाद फंक्शन कॉल करेंगे हम लोग, काउंट का फंक्शन। एंड नाउ कोई भी हम लोग कैरेक्टर, या कोई सिर्फ कैरेक्टर ही जरूरी नहीं है, कोई भी चीज़ आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम सिर्फ स्पेस को ढूंढ रहे हैं, तो स्पेस दे दिए और कर दिए, तो ये बता दिया स्पेसेस कितने हैं। तो स्पेसेस कितने हैं, 1, 2 एंड 3 दिख रहा है, एप्पल के बाद, इज के बाद, ए के बाद, ठीक है। मान लीजिए हम इसके जगह पे अब कोई करेक्टर ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए। इसमें ध्यान दीजिए कि काउंट नाम का जो फंक्शन है वो केस सेंसिटिव है, मतलब अगर कैपिटल ए भी कहीं लिखा हुआ है और स्मॉल ए लिखा हुआ है, अगर आप स्मॉल ए को फाइंड कर रहे हैं तो वो स्मॉल ए को ही काउंट करेगा, वो कैपिटल ए को नहीं करेगा। तो हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, यहाँ पे 1 आना चाहिए, आ गया है ना। चलिए तो आई थिंक आपको ये भी काउंट भी समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे देखेंगे, आगे क्या है, हमने देखा अभी सेंटर, काउंट, लेफ्ट जस्टिफाई और राइट जस्टिफाई। हम इसके बाद देख लेते हैं हम फाइंड और इंडेक्स। चलिए फाइंड और इंडेक्स देख लेते हैं, फाइंड इंडेक्स देखेंगे, फिर राइट फाइंड, राइट इंडेक्स, ये सब देखेंगे हम, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने प्रोग्राम में। ये फाइंड तो आपको समझ में आ रहा होगा, फाइंड नाम से ही कि ये भी किसी चीज़ को फाइंड करेगा। जिस तरह से हम लोग अभी देखे काउंट, तो काउंट में किसी चीज को जो भी हम कैरेक्टर या कोई भी चीज अगर डाल रहे थे तो उस चीज के बारे में ये बताता है कि वो कहाँ पर है, ऐसा है क्या, नहीं, वो कितने बार है वो दिखाता था काउंट। तो वही करेगा फाइंड भी, वो काउंट नहीं करेगा, बस उसे फाइंड करेगा कि वो कहाँ पर है। फाइंड में क्या करना है, मान लीजिए हमने एस में लिखा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, एंड नाउ हम कॉल कर रहे हैं फाइंड फंक्शन, तो कह रहे हैं कि एस में फाइंड करो, एस डॉट फाइंड मीन्स एस में फाइंड करो, एस में फाइंड करो आप क्या करोगे, ई को, ठीक है, ई को फाइंड करो कि ई है कहाँ, उसका पोजीशन नंबर क्या है, तो ये बताया 4। देख रहे होंगे आप इंडेक्सिंग से, यहाँ से पता चल रहा होगा 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, यहाँ पे 4th नंबर पे ये ई है। मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे ई को नहीं आई को कॉल करना चाहें, तो ये यहाँ तो आई तो दो दो बार है, तो ये क्या रिजल्ट देगा, इरर देगा क्या, नहीं, ये फर्स्ट बार में आई को जहाँ ढूंढेगा उसी को बता देगा, ये कहाँ पे ढूंढा, 2 में। अगर किसी का ये सवाल आ गया कि हमको राइट साइड से जो आई है उसको फाइंड कीजिए, है ना, राइट साइड से जो पहला आई आ रहा है उसको फाइंड कीजिए, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास था ना आर फाइंड फंक्शन, तो हम उसी को कॉल कर लेंगे, हम कहेंगे एस डॉट आर फाइंड, हमने कहा एस डॉट आर फाइंड, और इसमें हमने फिर से आई को कॉल कर दिया, ठीक है। अब ये बता दिया 7th नंबर, अब काउंट करके देख सकते हैं इंडेक्स क्या है, 7 नंबर पर है, ठीक है। तो आपने देखा अभी फाइंड और आर फाइंड, अब हम बढ़ते हैं इंडेक्सिंग में, है ना। जैसे इंडेक्सिंग में भी हम इसी तरह से कर देते हैं, हम कह देते हैं कि एस में आप दिखाओ इंडेक्स ऑफ टी, तो ये क्या बता, 8 नंबर पे है ना, इंडेक्स ऑफ टी। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक सवाल आया, कि एस में आप प्रिंट करो, ठीक है, हमने ये कहा कि एस तो बहुत लंबा स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग में आप किसी एक जगह से प्रिंट करो। जैसे मान लीजिए कि हमारे
एस में अभी असाइन हो गया है, मान लीजिए पवन, मान लीजिए मानव, सॉरी हम लोग लिखेंगे ही और भी आगे, एंड नौ अर्पिता। तो ये सब तीन चीज़ यहाँ पे असाइन हो गया है, ठीक है। अब हम एस में ये तो असाइन हो गया, अब हम इसे बोल रहे हैं कि एस में आप इतना लंबा हमको नहीं चाहिए, इतना लंबा स्ट्रिंग हमको नहीं चाहिए, हमें प्रिंट कराना है कहीं ऐसी जगह से जहाँ से हम चाहते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि एस में आप प्रिंट करो, ठीक है। तो एस में प्रिंट करो, तो हम लोग देंगे स्क्वायर ब्रैकेट, अब कहेंगे कि एस ऑब्जेक्ट बनाए, एस डॉट, अब कहते हैं हम इंडेक्सिंग करो आप, ठीक है, इंडेक्सिंग करो। तो आप किसका इंडेक्सिंग करो, मान लीजिए कि हमको सिर्फ अर्पिता प्रिंट करवाना है, तो हम मानव के भी को ले लेते हैं, है ना, मानव के भी को ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे कह देंगे भी, ठीक है, अब यहाँ से प्रिंट कर दो, ठीक है। ओप्स, ये इंडेक्स ऑफ भी को दिखाया, तो हम लोग यहाँ पे ये नहीं करेंगे, हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे ऐसा, है ना। तो मतलब कहाँ से शुरू करो आप, एस के कहाँ से शुरू करो, जहाँ पर भी एक्स का जो एस में जो भी इंडेक्सिंग ऑफ भी होगा ना, आप वहाँ से शुरू करो, हम यहाँ पर डालेंगे इसको, है ना। तो अब ये क्या करेगा, वहाँ से प्रिंट करना शुरू कर देगा भी से, ठीक है। मान लीजिए कि हम ऐसा कर सकते हैं शायद, मान लीजिए हम यहाँ पे ऐसा कर दिए तो ये तो रॉन्ग बताएगा, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, हम लोग भी से शुरू कर दिए इंडेक्सिंग। अब मान लीजिए कि हमने ये कहा कि ऐसा नहीं, आप हमें प्रिंट करो कहाँ से, इंडेक्स नंबर आर से, ठीक है, इंडेक्स नंबर आर से प्रिंट करो। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, आर। तो ये मिस्टेक, हम लोग यहाँ पे पैरेंथेसिस डालना भूल गए, पैरेंथेसिस डालेंगे अब इसे करेंगे, तो ये आर से प्रिंट करना शुरू कर दिया। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इंडेक्सिंग से क्या हो रहा है ऐसा। अब हम लोग राइट इंडेक्स भी समझते हैं, अभी जो क्या कर रहा है इसमें भी उसी तरह फाइंड की तरह ये लेफ्ट इंडेक्स समझ लीजिए कि ये काम कर रहा है, हमें राइट इंडेक्स चाहिए। तो हम इसी फंक्शन में मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे आर इंडेक्स कर देते हैं, जैसे इंडेक्स ऑफ यहाँ पे हम ए कर देते हैं, ठीक है, हम लोग इंडेक्स ऑफ ए कर देते हैं। तो ये क्या करेगा कि जहाँ पर भी इंडेक्स ऑफ ए मिलेगा वहाँ से प्रिंट करना शुरू करेगा। तो फर्स्ट ए कहाँ से मिला था, पावन के ए से। अब मान लीजिए कि हमने ये कह दिया कि नहीं, जो लास्ट वाला ए है ना, लास्ट वाला जो है उससे प्रिंट करो, तो उसके लिए हमको क्या करना रहा था, आर इंडेक्स, है ना, आर इंडेक्स। अगर अभी ये किए बिल्कुल इस तरह से किए तो ये क्या रिजल्ट करेगा, क्या आपको लगता है कि ये पूरा का पूरा पवन मानो और पिता प्रिंट करने वाला है? नहीं, क्योंकि हमने इसे स्टार्टिंग पॉइंट क्या दिया है, लास्ट वाला इंडेक्स ऑफ ए, तो लास्ट वाला ए कहाँ है, यहाँ है। तो ये क्या करेगा, इसको प्रिंट करेगा और बाकी कुछ भी नहीं प्रिंट करेगा, क्योंकि इसके बाद तो कुछ है ही नहीं। जैसे हम देख लेते हैं, ये क्या कर दिया, लास्ट वाले ए को प्रिंट कर दिया। हमें अगर ऐसा प्रिंट करवाना है कि लास्ट वाला ए से पहले का सब करवाना है, तो हम शुरू में डालेंगे, है ना। अब ये प्रिंट करेगा लास्ट वाला ए को छोड़ के बाकी सब कर दिया, क्योंकि लास्ट वाला काउंट नहीं होता है, है ना। अब मान लीजिए कि हमने एक और सवाल, ओप्स, हम एक और सवाल मान लीजिए हमने ए से नहीं, हम कोई और से क्या कर देते हैं, और भी तो कोई मिलता जुलता है नहीं यहाँ पे वैसे, तो हम लोग मान लीजिए कि हम लोग पी को ले लेते हैं, पी शुरू में भी है लास्ट में भी है, तो हम लोग पी से देख लेते हैं, हम लोग यहाँ पे कॉल क्या कर देते हैं, पी। तो ये क्या किया, जो लास्ट वाला जो पी था उसके पहले वाले सारे प्रिंट कर दिए, है ना। चले, तो आपने देखा अभी फाइंड, आर फाइंड, इंडेक्स और राइट इंडेक्स।
इसमें आप आसानी से समझोगे, बस इसमें थोड़ा सा इंडेक्सिंग में आपको समझने के लिए जरूरी है कि हमने क्या किया। सबसे पहले एस को सेलेक्ट किया, एस को सेलेक्ट किया, उसके बाद हमने स्क्वायर ब्रैकेट खोला और उस ब्रैकेट के अंदर अब हम इंडेक्सिंग वाले फंक्शन को कॉल करेंगे। तो हम लोग मान लीजिए कि एस में प्रिंट करना चाहते हैं शुरू से लेकर, तो कुछ नहीं शुरू में डाल दिए, उसके बाद कॉलन डाल दिए, मतलब अब यहाँ से हम डाल रहे हैं कि शुरू से लेकर अब कहाँ तक हमको प्रिंट करना है। तो हमने कहाँ तक बोला कि एस का राइट इंडेक्स ढूंढो, एस में राइट इंडेक्स ढूंढो पी का, पी कहाँ पे है वहाँ तक हमको चाहिए। ये ठीक है, चलिए। तो आज हमने क्या देखा, सेंटर, काउंट, फाइंड, इंडेक्स, लेफ्ट जस्टिफाई, आर जस्टिफाई, आर फाइंड और आर इंडेक्स। हमने आज के वीडियो में हमने ये 8 चीज़ देखा। अगले वीडियो में हम लोग ज्वाइन से बढ़ेंगे और बाकी सब चीज़ें भी देखेंगे। ये वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए आज हम इसी पे ब्रेक करते हैं। अगर आपको ये प्रोग्राम समझ में आया हो, अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो, तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।